सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ झारखंड रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी झारखंड स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कैसे उसे अपलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो गाइस, जानने के लिए बने रहेंगे इस वीडियो को एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर चुका हूँ। एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है झारसेवा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टैप कर चुका हूँ झारसेवा। झारसेवा लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल फोन को आपको डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन के जैसा यहाँ पर हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है jharsewa.jharkhand.gov.in, यानी कि फ्रेंड्स आपको झारसेवा वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास झारसेवा का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप झारसेवा वेबसाइट पर अगर आप पहली बार आए हैं तो गाइस आपको रजिस्टर यूर सेल्फ के ऊपर क्लिक करके अपना यूजर आईडी यहाँ पास को क्रिएट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को आपको क्रिएट करके इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सीरियस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विस, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप हाई लेवल तक अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट को आप बनवाना चाहते हैं, जैसे कि USDO के पास अगर आप प्रोसेस में भेजना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको अपना सर्कल ऑफिसर से बनवाना है तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। सो गाइस, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अगर आपको सर्कल ऑफिसर से बनवाना है, यानी कि आपको CO लेवल तक अगर आपको अपना सर्टिफिकेट को बनवाना है, तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को आपको फिलअप करना है। इसके बाद अपना यहाँ पर वैवाहिक स्थिति को आपको फिलअप करना है। सो गाइस, अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिज के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको उन मैरिड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जीमेल है, तो गाइस यहाँ पर ऑप्शनल है, आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका रिलेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। सो गाइस, यहाँ पर अपना फादर नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड के हिसाब से अपना परमानेंट एड्रेस को इसमें फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना विलेज का नाम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आपका ऑलरेडी आपका कंट्री यानी कि आपका देश नेम यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका राज नेम भी सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं गाइस, वो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिवीजन। तो गाइस, आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। तो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना सब डिवीजन का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल यानी कि आपका अंचल। सो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना अंचल का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस। इसके बाद गाइस, यहाँ पर अपना मोहल्ला नेम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड को आपको फिलअप कर देना है।
करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन यानी कि आपका स्थान। सो गाइस यहाँ पर आपको अपना लोकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सो गाइस रूरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सो गाइस यहाँ पर अपना ब्लॉक का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपना ग्राम पंचायत का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अपना विलेज का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत सेवक डिटेल्स। सो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली इसको छोड़ देना है एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। सो गाइस अपना आधार कार्ड के हिसाब से फिर से अपना एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना विलेज का नाम आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री। सो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अपना स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे गाइस यहाँ से अपना स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होंगे। इसके बाद अपना पुलिस स्टेशन आपको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिलअप करना है एंड इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड को आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है स्थानीय निवास होने के आधार, तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको किसी एक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको पढ़ के समझ के आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और गाइस नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके माता पिता को झारखंड के स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो आपके पास अगर आपका माता पिता का अगर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना है तो आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके माता पिता का पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है। सो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता भूमिहीन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप झारखंड में प्रचलित भाषा से संस्कृत प्रारंभ से अवगत हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता भारत सरकार के कर्मी तथा झारखंड राज्य में पद स्थापित है, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके अपनी मैट्रिकुल अथवा समक्षक सत्य की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्थान से प्राप्त किया है। तो अगर आप यहाँ पर 10th अगर पास कर चुके हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं, तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर टोकन को आपको इसमें फिलअप करना है। सो गाइस यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन टोकन नंबर को इसमें फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके गाइस यहाँ पर अपना डेट को आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको सिंपलीस वाले कैप्चा को आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से अपना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे की फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अपना सारा कुछ आपको डिटेल्स को आपको देख लेना है। सो गाइस पूरा डिटेल्स सही होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अटैच एन्यू एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको अगर किसी भी तरह से अगर आपका डिटेल्स यहाँ पे गलत हो चुका है तब सिंपली यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म में फिर से आप सुधार कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स सही है, तो यहाँ पर मैं अटैच एन्यू एक्सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस फुल प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अटैच करने का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। सो गाइस सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डेकोरेशन। सो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेल्फ डेकोरेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूस वाले फाइल पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का जो भी फॉर्म को फिलअप किए हैं उसी फॉर्म को आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ लेटर ऑफ प्लेडेस, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चूस फाइल के ऊपर फिर से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करके गाइस अपना जमीन का जो इनका खजाना रसीद होता है उसी रसीद को आपको इसमें अपलोड करना होता है पीडीएफ फाइल में। सो गाइस इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ रेसिडेंट प्रूफ, तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे फिर से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वोटिंग कार्ड आता है। अगर इनमें से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो गाइस यहाँ पर अदर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करके सो गाइस चूस फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल में बना करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको फिर से इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट, तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चूस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करके सो गाइस यहाँ पर अपना जमीन का खतियान और बंसावली को आपको पीडीएफ फाइल बना के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैं फटाफट अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट का अपलोड कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। सो गाइस अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव इन एक्सेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लेगा, तो गाइस यहाँ पर आपको फुल प्रोसेसिंग होने देना है। सो गाइस फुल प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फिर से ऐसा कुछ करके यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर आपको अपना फिर से अपना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को आपको फिर से पूरा देख लेना है, आपका डिटेल्स यहाँ पर आपका सब कुछ यहाँ पर सही है। सो गाइस पूरा डिटेल सही होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड किए हैं यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर अपना सारा कुछ डिटेल्स को देखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इंक लॉगमेंट स्लिप यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे प्रिंट आउट करके अपना ग्राहक को आप देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अपना मोबाइल फोन या फिर अपना कंप्यूटर के अंदर ही पीडीएफ बनाकर रखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ कि अब अपना झारखंड आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस को आप चेक करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आप सिंपली वाले वीडियो को देख करके अपना स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है या फिर अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है तो गाइज उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपली वाले वीडियो को देख करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा ही चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। सो गाइस चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।